वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे उन सभी के लिए आज गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। और इसमें विज्ञप्ति कब जारी हो सकती है हम वो बात करने जा रहे हैं, और उसी के साथ ही किन विषयों में भर्ती आ रही है और कितने पद हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आज की गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जैसे कई दिनों तक आ रहा था कि आरपीएससी को जिस भर्ती की अभ्यर्थना नहीं मिली है, तो गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली आरपीएससी को इस रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो उन्हें रिलीज़ करनी है उसकी अभ्यर्थना फाइनली मिल चुकी है। और इसकी डिटेल में जो नोटिफिकेशन जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं वो इसी माह के अंत तक आ जाएगा। लेकिन पहले ऐसे होगा कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो पहले रिलीज़ किया जाएगा और अप्लाई करने की जो डेट है वो उससे 1 वीक के करीब बाद में ही होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लगभग 2nd week of July, लेकिन उसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको इसी महीने के अंत में देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो भर्ती होने वाली है वो 1952 पदों पर होने वाली है और 41 विषय हैं। कुछ विषयों को नया जोड़ा गया है जो कि पहले वाले पद में, पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है 2020 उसमें वो पद नहीं थे लेकिन इसमें जोड़े गए हैं। तो आज हम 41 विभिन्न विषयों में जो पदों का वर्गीकरण है वो भी एक बार देख लेंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चंस कॉमन निकल कर आ रहा है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 अभी कंप्लीट नहीं हुई है और बीच में ये भर्ती कैसे आ रही है, तो आरपीसी के नॉर्म्स के हिसाब से जब तक एक भर्ती कंप्लीट नहीं होती तब तक वो दूसरी भर्ती सेम भर्ती की विज्ञप्ति नहीं रिलीज़ करता। लेकिन जैसे ही राजस्थान में अभी रिसेंटली मतलब आने वाले 6 मंथ में इलेक्शन होने वाले हैं तो उसी के इफ़ेक्ट के कारण आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए आरएस के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उसके इंटरव्यू पेंडिंग हैं, लेकिन आरएस की भी 900 प्लस पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति अगले महीने तक रिलीज़ कर दी जाएगी। तो जिसके इंटरव्यू तक ना हुए हैं उसकी भर्ती आ रही है, तो इसके तो सारे रिजल्ट तक घोषित हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को जॉब भी मिल चुकी है, केवल एक या दो सब्जेक्ट को छोड़कर यह भर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो डेफिनेटली ये भर्ती आने वाली है और इसमें आप अप्लाई कीजिए और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज हम एक बार इसके विषय देख लेते हैं और किन विषयों में कितनी भर्तियाँ हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट अब तक नहीं देखे हैं तो उनके लिए हो जाएगा। इसमें जो विषय है वो चित्रकला में 35 पद हैं जो कि अब तक के काफ़ी पद माने जाते हैं। अर्थशास्त्र में 103 है, अंग्रेजी में 153 है, भूगोल में 150 है, GPEM में 1 पद है, हिंदी में 214 है, इतिहास में 177 है, गृह विज्ञान में 39 है, जर्नोलॉजी में 1 है, संगीतवाद में 4 है, संगीत कंठ में 12 है, पुस्तकालय विज्ञान में 1 है, दर्शन शास्त्र में 11 है। लास्ट टाइम दर्शन शास्त्र में बहुत कम थे। राजनीति विज्ञान में 181 है, मनोविज्ञान में 10 है, लोक प्रशासन में 45 है। लास्ट टाइम केवल लगभग 6 से 10 सीटें ही थी उसमें लोक प्रशासन में। राजस्थानी में 6 पद हैं, संस्कृत में 76 हैं, सिंधी में 3 हैं, लास्ट टाइम सिंधी में 1 भी पद नहीं था। समाजशास्त्र में 80 पद हैं, उर्दू के 24 हैं, वनस्पति शास्त्र के 70 हैं, रसायन शास्त्र के 81 हैं, भूगर्भ शास्त्र के 6 हैं, गणित के 53 हैं, भौतिक शास्त्र में 60 हैं, प्राणी शास्त्र में 64 हैं, ABST में 86 हैं, व्यवसायिक प्रशासन में 71 हैं, EFM में 70 हैं। EFM में इस बार ज़्यादा पद है, पिछली बार कम थे। विधि में 25 हैं, पंजाबी में 1 है, कृषि में 16 है, सैन्य विज्ञान में 1 है, व्यवहारिक कला में 5 है, पेंटिंग में 5 है,
और मूर्तिकला में चार है, कलाताश में दो है, संग्रहालय विज्ञान में दो है, तबला में दो और वायलिन में दो। टोटल 1952 पदों पर भर्ती आने वाली है। नेक्स्ट वीक तक आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अब अगर हम इसमें एग्ज़ाम की बात करें तो एक बार आपके इसकी विज्ञप्ति आने दीजिए, उसमें विज्ञप्ति में भी डिटेल नोटिस में नीचे नीचे एग्ज़ाम का महा दे रखा होता है, तो जो भी एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए कंफ्यूज हैं तो एक बार विज्ञप्ति का वेट कर लीजिए। बाकी जो अंदर से लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।